प्रातः क्लास चल रहा था 25 फरवरी 1966 शुक्रवार को बॉम्बे में 7वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। भारत की आय देखो कितनी बड़ी थी, अभी पतित है तो एवरेज आयु 36 वर्ष और वहां एवरेज 125, क्योंकि वहां पतित पना नहीं था, रावण का राज्य ही नहीं था। अभी तुम अपन को ये पक्का पक्का समझो कि हम भारतवासियों ने 84 का चक्कर लगा पूरा किया, हमारे सिवाय और जो दूसरे धर्म खंड के वासी है वो 84 का चक्कर पूरा नहीं करते हैं, कम जन्म लेते हैं। अभी हमको फिर से वापस जाना है, चक्कर पूरा हुआ और बाबा आया हुआ है लेने के लिए। हम आत्माओं को कहां से आया हुआ है, आत्मलोक से आया हुआ है जिसे सोल वर्ल्ड कहते हैं, परंतु वो कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा पतित है, तो पतित आत्मा को पावन बनाने की युक्ति बताता हूं। मुझे याद करो, तो पावन बनेंगे। मैं तुम्हारे सन्मुख होता हूं, जो सन्मुख होता है उसे देखा जाता है और जिसको देखा जाता है वो याद आता है। तुम भारतवासी ही सन्मुख होकर के सुनते हो, तो तुमको पक्की युक्ति बताता हूं कि मुझे याद करो। याद कब आती है, है? किसी को आंखों से देखा होगा तो याद आएगी, कानों से सुना होगा तो याद आएगी, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें याद तो आती है ना। कोई भी इंद्रियों से अनुभव किया होगा, सुख का अनुभव किया होगा तो वो याद जरूर आएगा। तो तुमको ये युक्ति बताता हूं क्या, कि मुझे याद करो। मनमना भव, यहां तक याद करो कि जो तुम्हारी 11वीं इंद्रिय है वो 11वीं इंद्रिय मन, 200 इंद्रियों से परे कौन सी इंद्रिय होती है, मन। वो मन सदा मेरे में समा जाए, अर्थात तुम्हारे सारे संकल्प
मुझे ज्ञान सागर में समा जाए। मनमना भव का अर्थ ही ये है, मत मने मेरे, मना मने मन में, भव मने समा जा, अर्थात मेरे मन के संकल्पों में तेरे मन के संकल्प डूब जाए, तेरा कोई भी अलग से संकल्प न चले। तो मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। मैंने 5000 वर्ष पहले भी तुमको यही सुनाया था, जो 5000 वर्ष पहले सुनाया था उसकी उन गुरुओं ने कापी की है, और झूठी गीता बनाई दी है। क्योंकि ये मैं ज्ञान सुनाता हूं, और गीता में किसका नाम डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया, जबकि सुनाने वाला मैं हूं। 5000 वर्ष पहले मैंने गीता सुनाई, तो कृष्ण बच्चे का नाम डालने से सारा ज्ञान गुम हो जाता है, क्योंकि कृष्ण बच्चा तो कह नहीं सकता, कोई भी गुरु नहीं कह सकता। कृष्ण वाली आत्मा हो, राम वाली आत्मा हो, कोई भी नहीं कह सकता। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, कोई भी धर्म पिता हो, कोई नहीं कह सकता कि मुझे याद करो। गीता में मैंने ही कहा था मुझे याद करो, और इन गुरुओं ने नाम डाल दिया सबसे बड़े गुरु का, कौन से का? कृष्ण का, जो संगम युग में ब्रह्मा के रूप में बड़े से बड़ा गुरु बनता है। तो गुरु तो कह ही नहीं सकते मुझे याद करो। तो गीता का सारा ज्ञान गुम हो गया, बस। फिर आखिरी कल्प के अंत में जब मैं आता हूं तो आकर के तुमको पति से पावन बनना पड़े, बाकी बीच में तो कोई गुरु तुमको पावन बना ही नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि वो सात पतित बन पड़ते हैं। बड़े बड़े धर्म पिताएं आए, बड़े बड़े गुरु बंटाल आए, खुद भी पतित बने और अपने फॉलोअर्स को भी पतित बनाया। तो ये बात मैं बताता हूं कि पीछे अब कोई उपाय नहीं है, क्योंकि पावन से तुम पीछे आहिस्ते आहिस्ते पतित बने हो। देखो सतयुग में 16 कला संपूर्ण, पीछे 13 में 14 कला। तो देखो 13 में 2 कला कम हो गई, पीछे द्वापर में 8 कला और कलयुग में 4 कला से भी कलाहीन हो गए। कलयुग में सब कलाएं चट हो गई। अभी तुम्हारे में कोई कला नहीं रही,
और तुम कहते हो कि मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई, आप ही मेरे ऊपर तरस करो। तो इसको कहा जाता है ब्लिसफुल, यानी अच्छा। और फिर कहते हैं दुख हरता, सुख करता, दुख से छुड़ाए सुख में ले जाते हैं। इसको अंग्रेजी में भी कहते हैं लिबरेटर। कैसे लिबरेट किया? दुख से लिबरेट किया, तो लिबरेट करके अपने साथ ले जाते हैं। तुम्हारे गुरु कोई जाते हैं, तुमको थोड़े ही ले जाते हैं। मैं तो तुमको दुख से छुड़ाकर अपने साथ ले जाता हूं। गुरु जाकर फिर बोलते हैं, अच्छा हमारा बच्चा, हमें बच्चा चाहिए, या हमारा बच्चा मर गया। फिर उनका बैठ करके वो क्या करेंगे? अगर चेला दो चार में गड़बड़ हो जाए तो फिर वो अलग अलग हो जाते। पीछे जिसको जिसको गुरु करना है वो जाकर के करे। झगड़ा भी होता है ना। मैं तुमको बताता हूं, बहुत झगड़े होते हैं। अभी शंकराचार्य एक मठ का, फिर अभी देखो चार मठ बन गए, चार शंकराचार्य। और भी कुछ जास्ती होंगे। तो गुरुओं की गिनती का कोई नियम नहीं है, क्योंकि ये गुरुओं के चेले फिर आपस में ही लड़ मरते हैं। फिर चार चार गुरु, तीन तीन गुरु हो जाते हैं। तुमको मालूम है ना, देखो चिदाकाशी था, आजकल उस चिदाकाशी के बहुत चेले हैं। हेमराज था, उनका एक शिष्य था, उनके बच्चे भी थे और उनका शिष्य भी था रसोई वाला। वो रसोईया करता था। फिर देखो उस रसोईये ने अच्छी तरह से नॉलेज ले ली। तो उनके ऊपर वो गुरु राजी हो गया, अपने बच्चों के ऊपर राजी नहीं हुआ, चेले के ऊपर राजी हो गया। क्योंकि उनके अपने बच्चों ने नॉलेज ही नहीं ली। तो गद्दी पर है उसको बिठाई दिया। किसने? हेमराज ने। हेम किसको कहा जाता है? हेम माने सोना, राज माने राजा। अब बताओ सोने की दुनिया किसको कहा जाता है? हैं?
सतयुग को। और सतयुग का पहला राजा कौन? कृष्ण। और संगम यदि शूटिंग में वो हेमराज कौन हुआ जो सतयुग में सोने की दुनिया में पहला राजा बनता है? सोने की दुनिया का राजा हेमराज कौन हुआ? है दादालेखराज। दादालेखराज के अपने बच्चों ने ज्ञान नहीं लिया? लिया नहीं लिया? न लौकिक बच्चों ने ज्ञान उठाया और न अलौकिक बच्चों ने ज्ञान उठाया। अलौकिक बच्चे माने जो अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, जिनको अपने बाप का पता ही नहीं, उन्होंने ज्ञान नहीं उठाया तो अपने बच्चों को नहीं दिया, न लौकिक बच्चों को न अलौकिक बच्चों को। किसको दिया है? अपने चेले को दे दिया, क्योंकि वो ज्ञान में तीखा था। उसने अच्छी तरह से नॉलेज ले ली तो उनके ऊपर वो राजी हो गया। बच्चों के ऊपर तो राजी नहीं हुआ। राजी हो गया माने है वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा सर के ऊपर क्या हुआ? चढ़ गया, राजी हुआ ना? कोई और के ऊपर राजी हुआ क्या? हुआ नहीं? हुआ तो देखो, उनके अपने बच्चों ने नॉलेज नहीं ली। तो गद्दी पर जो ज्ञान की गद्दी है, योग की गद्दी है, सेवा की गद्दी है, उस गद्दी पर उसको बिठाई दिया। अब फिर वो बच्चे बेचारे क्या करें जिनको बाप की गद्दी नहीं मिली? है तो बच्चे आपस में ही फूट गए। क्या किया? आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। किसने कहां बनाया अपना सत्संग, किसने कहां बनाया? क्या मतलब हुआ है? वो फूट गए कितने हिस्सों में है? 10 हिस्सों में फूट गए। कोई ने सूर्यवंशियों में अपना सत्संग बनाया, जैसे लक्ष्मी। कोई ने चंद्रवंशियों में ही अपना सत्संग बनाया। कोई ने इस्लाम वंशियों से जाकर मिल गए, कोई बौद्धियों से जाकर मिल गए, उनके साथ सत्संग बनाया। देखो प्रभु हेमराज के अपने बच्चे कितने बढ़ गए, कितने हो गए। अभी किसको गुरु करें? फिर जिसको जो पसंद आया सो जा करके गुरु कर लिया। ऐसे हाल हो जाता है, सबका ही ऐसे हाल हो गया। तो देखो बाप क्या कहते हैं, हैं? बाप कहते हैं मैं तुमको नहीं भटकाता हूं, मैं तो तुमको अपने साथ ले जाता हूं।
और गुरु अपने साथ नहीं ले जाते हैं, खुद भी भटकते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी भटका देते हैं। भले तुम संपूर्ण न बने हुए होंगे, तो तुम सजाएं खाएंगे, सजा खा करके पवित्र बनेंगे और पवित्र बन करके मेरे साथ ही तुमको ले जाऊंगा। कब सजा खाएंगे? कयामत के समय सजा खाएंगे। सजा खाएंगे तो जितनी जितनी ज्यादा सजा खाएंगे उतना पद भ्रष्ट हो जाएगा। आठ तो सजा नहीं खाएंगे, आठ के बाद जो जितनी सजा खाएंगे उतना पद भ्रष्ट हो जाएंगे। माना आठ के बाद कौन सी माला है? 108 की। तो वो 108 की माला में फिर कोई का 109वां नंबर है, कोई का 10वां नंबर है, कोई का 108वां नंबर हो जाएगा। सजाओं के ऊपर है। अगर पास विधान हो गए तो विजय माला की दाने बन जाएंगे। अब बादशाही यहां स्थापन हो रही है, राजाई यहां स्थापन हो रही है, राजधानी यहां स्थापन हो रही है और ऐसे ऐसे राजधानी स्थापन हो रही है। कैसे कैसे है? राजधानी में नंबरवार होंगे कि सबको एक जैसी कुर्सी मिलेगी? नंबरवार होंगे तो कैसे नंबर बनेंगे? सजाएं खाते जाएंगे और नंबर बनते जाएंगे। पच्चीस दो 66 की वाणी का 8वां पेज। तो देखो राजधानी यहां स्थापन हो रही है। वो गुरु लोग तो न राजाई स्थापन करते हैं न राजधानी स्थापन करते हैं, और बादशाही सतयुग में तो नहीं स्थापन होगी। होगी बातो बादशाही देने वाला, बादशाही स्थापन करने वाला शिव बाबा ही नहीं होगा? शिव बाबा होगा, परंतु उसमें जो आत्मा राजयोग सिखाने वाली है वो होगी। कौन है? शिव बाप नहीं होगा। तो वहां राजधानी स्थापन नहीं होगी। नहीं तो तुम पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों का राजभाग पाने के लिए, तो भी जानते हो कि हम 21 जन्म राजभाग पा करके फिर हम गिरेंगे और फिर ऐसे ही आकर के बनेंगे। क्या बनेंगे? नंबरवार राजधानी में आवेंगे। अभी बुद्धि में 84 जन्मों की कहानी बैठी है। उनके साथ सब आ जाते हैं।
तो देखो नॉलेजफुल ज्ञान का सागर बच्चे तुम बन जाते हो। बाकी सब उन धर्म गुरुओं के धर्म पिताओं के चेले क्या बन जाते हैं? अज्ञान के सागर बन जाते हैं। अभी तुम बनते हो मास्टर ज्ञान सागर, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान प्रैक्टिकल है। तुमको तो सारा मालूम है, ये परमात्मा मनुष्य किसको कहते हैं, परमात्मा किसको कहते हैं? देवता किसको कहते हैं? कुछ भी पता नहीं है। कोई एक भी नहीं जानते हैं कि मनुष्य किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है? है हाँ, जो मनु की औलाद उसको कहते हैं मनुष्य, मनु ब्रह्मा को कहा जाता है। मनु माने मनुआ, मन रूपी ब्रह्मा। जो मनु की औलाद है वो जरूर मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य होंगे। कोई जानवर थोड़े ही मनन चिंतन मंथन करेंगे। तो कोई भी नहीं जानते हैं कि मनुष्य कौन, भगवान कौन और देवता कौन। ये बात कोई को मालूम होगी? देखो वो सन्यासी गुरु जाते हैं लिंग की पूजा करते हैं, अब पूजा बड़े रूप की करते हैं कि छोटे रूप की करते हैं, निराकार की? बड़े रूप की, लिंग रूप की पूजा करते हैं। निराकार की तो पूजा होती ही नहीं, बिंदी की कैसे पूजा होगी? अभी जिस लिंग की पूजा करते हैं वो इतना बड़ा तो है नहीं, लिंग बनाते हैं ना, इतना बना देंगे, इतना बना देंगे, छोटा बना देंगे, बड़ा बना देंगे। वो जानते ही नहीं है लिंग किसकी यादगार है, उनकी बुद्धि में नहीं है कि भगवान जो निराकार है, ज्योति बिंदु है, निराकार आत्माएं आत्माएं बिंदु बिंदु, उनका बाप भी ज्योति बिंदु, वो कैसे इस सृष्टि पर कार्य करता है, कैसे आता है? पूजा करते हैं, बुद्धि में आता ही नहीं ये लिंग किसी साकार मनुष्य की यादगार है, जिस साकार मनुष्य ने गहरी याद में स्थिर होकर के अपने इंद्रियों को बुलाई दिया। क्या इंद्रियों को? नाक आंख कान मुख ये लिंग में दिखाई जाते हैं क्या? नहीं दिखाई जाते। उस शरीरधारी की यादगार है जिसमें परमात्मा मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। तो देखो
वो लिंग न इतना है और न उतना है। कहीं छोटा बनाते हैं, कहीं बड़ा बनाते हैं, तो क्या वो लिंग रूप मुकर्रर रथ है छोटा बड़ा होता है क्या? है कभी छोटा हो जाता हो, कभी बड़ा हो जाता हो, ऐसा होता है क्या? कहां देखो तो इतना बनाते हैं, कहां कितना बनाते हैं, कितना इतना उतना। अभी ऐसा कोई होता है क्या? अरे आत्मा छोटी बड़ी होती ही नहीं है, सभी आत्माएं ज्योति बिंदु। आत्मा और परमात्मा का बाप समझाते हैं, जैसे तुम छोटी सी बिंदी हो वैसे मैं भी बिंदी हूं। मुझे कहते हो परमात्मा, यानी परम पाठधारी आत्मा, क्योंकि मुझे परम पाठधारी के पार्ट को जो मैं परम पार्ट बजाता हूं उसको तुम याद करते हो ना, कि मैं कैसे कैसे परम पार्ट बजाता हूं। परम माने बड़ा, परे ते परे, जिस स्टेज को कोई और पहुंच ही न सके। तो तुमको बहुत सुख देते हैं, पर है तो वो भी आत्मा और वो भी बिंदी है। कौन? शिव भी बिंदी है। अभी उनकी पूजा कैसे करें भक्ति मार्ग में? तो भक्ति मार्ग में उन्होंने बड़ा बड़ा चीज बनाया है, बड़ा बड़ा लिंग बनाई दिया, जैसे पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाए दिए, महात्मा बुद्ध का बड़ा चित्र बनाई दिया, दक्षिण भारत में बाहुबली का बड़ा चित्र बनाई दिया। इसे क्या साबित होता है? है बड़ा पार्ट बजाया है, बड़ा काम किया है, जैसा काम और उन्होंने नहीं किया। तो बड़ी बड़ी चीज बनाई दी, नहीं तो पत्र और फूल बिंदी को कैसे चढ़ावेंगे? पत्र और फूल तो बड़े बड़े होते हैं और बिंदी तो इतनी छोटी कि इन आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ती है। समझा ना? तो देखो ये गहरी बातों का किसी को है पता? कोई साधु संत थोड़े ही जानते हैं कि आत्मा का रूप क्या है और परमात्मा का रूप क्या है। आत्मा भी कहते हैं स्टार, यूं तो जब रुद्र पूजा करते हैं तो भी शिव का लिंग मिट्टी का बड़ा बनाते हैं,
और आत्माओं का शालिग्राम छोटा छोटा बनाते हैं, अंगूठे मिसल बनाते हैं। मिट्टी के क्यों बनाते हैं है? शालिग्राम में भी आत्मा, जिसकी यादगार शालिग्राम बनाते हैं। तो शालिग्राम क्या है, शरीर है कि आत्मा है? इतना बड़ा है तो शरीर की यादगार है ना, तो छोटा बनाते हैं। माने छोटा छोटा कार्य है तो छोटा शालिग्राम बनाते हैं, अंगूठे मिसल। और बड़ा काम किया तो बड़ा लिंग बनाई दिया, लेकिन मिट्टी का बनाते हैं। शालिग्राम भी मिट्टी का, और रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो, और लिंग भी मिट्टी का बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये शरीर क्या है, मिट्टी ही तो है। इस मिट्टी के पात्र में आत्मा ज्योतिबिंदु प्रवेश करती है, और मिट्टी के ही पात्र में शिव भी प्रवेश करता है। तो देखो, अंगूठे मिसल है, शालिग्राम बनाते हैं आत्माओं की यादगार, और लिंग को बड़ा बनाते हैं। शालिग्राम को अंगूठे मिसल से बड़ा नहीं बनाते, और लिंग को बड़ा बना देते हैं। पर जो शालिग्राम है आत्मा की यादगार, वो अंगूठे मिसल तो नहीं है ना। नहीं तो भला बिंदी हो वे तो बनाए क्या? ये पिंडी कोई पूजा हो सकती है? तो बाप बैठ करके समझाते हैं, तुम कहते भी हो कि आत्मा है इष्टार, प्रकृति के बीच में जो कोई देख भी नहीं सकता, जब आत्मा निकलती है या जब शरीर में प्रवेश करती है तो कोई को दिखाई देती है नहीं, क्योंकि अति सूक्ष्म है तो स्टार मिसल। तो फिर उन शालिग्रामों की पूजा कैसे हो सके हैं? शालिग्रामों की भी पूजा होती है या नहीं, और बड़े लिंग की भी पूजा होती है? किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है? लिंग की पूजा सारी दुनिया में लिंग मंदिर मंदिरों में मिले हैं, और शालिग्राम की भी पूजा होती है। तो पूजा कैसे हो सके? पूजा का आधार क्या है? पवित्रता। उस लिंग रूप कर्मेंद्रिय से उन शालिग्रामों ने भी कर्म किया, और शिव बाबा ने भी जरूर कर्म किया, परंतु शिव बाबा की इतनी विशाल पूजा और शालिग्रामों की छोटी छोटी पूजा। तो दोनों की पूजा का आधार क्या हुआ? कि दोनों ने पुरुषार्थ किया है पवित्र रहने का। कर्म करते भी क्या पुरुषार्थ किया? याद में रह करके इंद्रियों को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ किया है। तो देखो,
पूजा के आधार पर शालिग्रामों की पूजा होती है, पूजा के आधार वो पवित्रता के आधार पर ही लिंग की भी पूजा होती है, नहीं तो पूजा कैसे हो सके, क्योंकि आत्माएं भी बिंदु और परमपिता परमात्मा भी बिंदु, वो कोई बड़ा बड़ा तो नहीं है, तो बड़ा बड़ा क्यों बनाते, क्योंकि पवित्रता का बड़ा पुरुषार्थ किया है, औरों ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया। ये जो लिखा है शास्त्रों में, हजार सूर्यों से प्रकाश में अर्जुन को दिखाया, हजार सूर्यों से ज्यादा तेज तेजो में दिखाया, फलाना किया, बोला बस करो, हम सहन नहीं कर सकते, वो तो परमात्मा की उल्टी बढ़ाई कर दी है फालतू की, ऐसा है तो कुछ भी नहीं, कि हजार सूर्यों से भी ज्यादा तेजो मैं हो, तो गुरु जो तुमको सुनाते हैं वो क्या है, तो बाप बैठ करके तुमको नाली सुनाते हैं। कहते हैं मैं आता हूं, तुम बच्चों को ये सारी सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है वो समझाने के लिए आता हूं, ऐसी ज्ञान की रोशनी और कोई भी गुरु नहीं दे सकता, जैसी ज्ञान की रोशनी भगवान ने अर्जुन जैसे गृहस्थियों को दी है, ऐसी रोशनी किसी को नहीं मिली। तो उस ज्ञान की रोशनी को उन्होंने हजार सूर्यों से भी जास्ती तेजो में दिखाई दिया है, ज्ञान की रोशनी की बात समझने की बात है। जैसे कोई आते हैं ब्राह्मण खिलाते हैं, उनके बाप का कोई भी हो संबंधी, चलो या ये देखो शास्त्री मर गया, तो ब्राह्मण को खिलाएंगे तो ना, अब उन ब्राह्मणों का तो इतना ऊंचा पद नहीं है, कितना जितना शास्त्री का था प्राइम मिनिस्टर का पद, तो शास्त्री की सोल ये कोई चरिए खरिए ब्राह्मण में आएगी ना, या शास्त्री से भी ज्यादा से ऊंचे में आएगी, वो गरीब लोग होते हैं ना ब्राह्मण, जिनको खिलाने के लिए बुलाते हैं, और वो ब्राह्मण तो चलते ही है श्राद्ध वगैरह से, कहीं श्राद्ध खाने जाते हैं, कहीं तेरवी खाने जाते हैं, कहीं धामा खाने जाते हैं, उनकी जिंदगी कैसे चलती है, है? इसे धामा खाने से ही उनकी जिंदगी चलती है, बाल बच्चे पलते हैं ना, तो ब्राह्मण गरीब होते हैं या बड़े बड़े साहूकार होते हैं, गरीबी होते हैं, तो क्या उनकी आत्मा नाम तो देखो कितना बड़ा है,
शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर, और वो आएगी ऐसे ब्राह्मण में, गरीब ब्राह्मण में। और आएगी भी जरूर, ऐसे नहीं कि नहीं आएगी, आती थी। और वो बोल भी सकते हैं, कौन शास्त्री जी उस ब्राह्मण में आकर बोल भी सकते हैं, परंतु क्या कोई पूछेंगे? ब्राह्मण में आई हुई आत्मा से शास्त्री जी समझ करके तुम कुछ लिख करके गए, तुम्हारी क्या प्रॉपर्टी वगैरह थी, फलाना काम करके गए, तो देखो पितरों को बुलाते थे, तो ये पितरों को खिलाना भी ब्राह्मण में नूद है। ब्राह्मण में ये पितरों के खिलाने की रस्म रिवाज कहां से निकली है? संगमयुग से निकली। ऐसे नहीं है कि शास्त्री ने जहां जन्म लिया वहां से उनकी आत्मा निकल करके कोई दूसरे में आ गई, नहीं। ये भी ड्रामा में है कि ऐसे ब्राह्मण खिलाए जाते हैं और वो ब्राह्मण बोल भी सकते हैं। बाकी वो शास्त्री जी कोई उसमें आते नहीं है, ये ड्रामा में एक नूद है जो उनको बुलाते हैं और कहलाते हैं। ये तो ये शिव बाबा है जो बैठ करके सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अल्पकाल की मनोकामनाएं हैं, क्षणभंगुर। ये भक्तों की अल्पकाल की मनोकामनाएं भी बाप पूरी करते हैं। तो वो लोग शायद समझ लेते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, ये भी समझाते हैं। कोई आत्मा शरीर छोड़ करके नहीं आ सकती। अगर शास्त्री जी की आत्मा ने कहीं जन्म लिया और वहां से वो आत्मा छोड़ करके अपना शरीर आ जाए तो शरीर तो मुर्दा हो जाएगा। कोई शरीर छोड़ करके तो आ नहीं सकती। तो उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए सब कुछ मैं करता हूं, कौन? शिव बाबा। किसकी मनोकामना? जो ब्राह्मणों को खिलाने के लिए बुलाते हैं। उनको जैसे कि साक्षात्कार हो जाता है उन ब्राह्मणों का, वो शास्त्री जी का। बाकी है तो कुछ भी नहीं। ये करते करते क्या होता है? अभी यहां बाप खुद भी बोलते हैं, कि मैं भी आता हूं। किसमें आता हूं? साहूकार में आता हूं या गरीब में आता हूं? है
गरीब में आता हूं, कौन बोलते हैं? बाप बोलते हैं, माँ नहीं, बाप बोलते हैं मैं भी आता हूं। परंतु मैं तो अभोक्ता हूं, शास्त्री तो भोगता था, भोगी था या अभोक्ता था? भोगी था। और मैं तो अभोक्ता हूं, मुझे क्या पार्ट मिला हुआ है? आकर के बच्चों को ये नाली सुनाना, क्या आकर के बच्चों को ये नाली सुनाना? क्या नाली सुनाना? ये पावन बनने का क्या तरीका है? जब तुम पावन देवता थे तो पावन देवता से पतित कैसे बने? हैं? पतित बने ना, किनके संग के रंग से? हैं? अनेकों धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स के संग के रंग से पतित बने। उनके साथ रहे ना, कर्मेंद्रियों से उनका संग किया ना, तो संग का रंग लगा ना। आज भी भारतवासी विदेशों में जाते हैं तो वहां की सभ्यता यहां लेकर के आते हैं कि नहीं है? वो विदेशी सभ्यता में भारतवासी रंग गए या नहीं रंग गए? संग का रंग तो जरूर लगता है। संग दोष और अन्न दोष, उनके हाथों का बना हुआ भोजन भी खाया, उनका कमाया हुआ भोजन खाया, तो उसका असर आत्मा पर जरूर पड़ता है। तो मैं आकर के बच्चों को ये नाले सुनाता हूं कि संग के रंग से ही तुम पतित बने हो और संग के रंग से ही पावन बने। क्या अनेकों के संग के रंग से पावन बनेंगे? अरे अनेक तो हैं ही पतित, पतित हैं या पावन हैं? अनेक गुरु पतित हैं, उनके संग के रंग से तुम पावन नहीं बन सकते। तुम एक के संग के रंग से पावन बन सकते हो। एक कौन? जो अभोक्ता है। और सभी आत्माएं 500-700 करोड़ सब भोगी हैं और मैं एक शिव हूं जो इंद्रियों से कर्म करते हुए भी क्या हूं? अभोक्ता हूं। तो ये नारे सुनाता हूं और फिर मनुष्य से देवता बनाता हूं। ये मेरा धर्म है। क्या क्या पतित से पावन बनाने का ज्ञान सुनाना ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है। गीता में लिखा है ना, जन्म भी मेरा दिव्य और कर्म भी मेरा दिव्य। तो सो मैं बाबा तुम सबका बाबा भी हूं और निराकार हूं। बाबा तो साकार को कहा जाता है, निराकार तो ज्योति बिंदु को कहा जाता है। जिसको हाथों से पकड़ा नहीं जाए, जिसको इन आंखों से देखा नहीं जाए, तो
क्यों, मैं तुम्हारा बाबा भी हूं और निराकार भी हूं। ये कैसे, निराकार शिव साकार में प्रवेश है, इन आंखों से देखने की बात नहीं, ये तो ज्ञान से समझा जाता है। अच्छा, फिर बाबा भी हूं और क्या हूं, टीचर भी हूं, सुप्रीम टीचर, तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाता हूं, वेद की हिस्ट्री समझाता हूं। क्या जो मनुष्य गुरु हैं या जो भी स्कूल कॉलेज हैं उनमें तो हद की हिस्ट्री समझाई जाती है 2500 साल की है। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री समझाता है, किसी को मालूम ही नहीं, पूरे कल्प की हिस्ट्री तो कोई जानता ही नहीं, अगरम बगरम कर दिया है। इस युग की आयु लाखों वर्ष, उस युग की आयु इतने वर्ष, कल्प की आयु लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष, क्या क्या सुनाते रहते। तो देखो, मैं तुमको बेहद की हिस्ट्री और बेहद की ज्योग्राफी सुनाता हूं। बेहद की ज्योग्राफी कैसे है, अरे वो तो ज्योग्राफी सुनाएंगे इस पृथ्वी की, सौर मंडल की ज्योग्राफी सुनाएंगे, मैं तो सौर मंडल से भी पार, सूर्य का जो मंडल है जहां सूरज चांद सितारे हैं उनसे भी पार, पार लोक की भी बातें बताता हूं। देखो बताता हूं, वो मूल वतन है, वो सूक्ष्म वतन है, फिर ये स्थूल वतन, शांति धाम, फिर सुख धाम और फिर दुख धाम। वो सिर्फ दुख धाम की हिस्ट्री बताते हैं, कौन इतिहास नवीस हिस्टोरियंस, और मैं तो दुख धाम सुख धाम शांति धाम सब की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताता हूं। सुखदाम दुखदाम तीनों लोकों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानता ही नहीं है, तो बताएंगे कैसे। मैं जानता हूं क्योंकि मैं इस सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, तो मैं टीचर भी हुआ बाबा भी हुआ। देखो ये सब कहते हैं हम शिव बाबा के पोत्र पोत्रियां हैं, और शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो तो फिर मैं विनाश करूं। क्या बात, अर्थात जितना जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना उतना विनाश का डंका जोर होता जाएगा, जितने तुम याद में पक्के होते जाएंगे। ब्रह्मा को याद करेंगे तो एक भी तुम्हारा पाप भस्म नहीं होगा, क्यों है, ऐसी क्या बात है। शिव बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे सारे 63 जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे, और अगर इस ब्रह्मा को याद किया
तो तुम्हारा कोई भी पाप भस्म नहीं होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं हूं अभोक्ता और ब्रह्मा है भोक्ता। जो भोगी है वो तो पाप भी भोगता है और पुण्य भी भोगता है। मैं तो पाप और पुण्य दोनों से परे हूं। बाकी एक ब्रह्मा की बात नहीं, और किसी को भी याद करोगी तो एक भी पाप तुम्हारा कटेगा नहीं। क्या चाहे तुम गंगा में जाकर के डूब मरो, सारी आयु जाकर के गंगा में ही पड़े रहो, एक भी पाप तुम्हारा कटेगा नहीं। अभी ब्रह्मा तो चैतन्य है, गंगा जड़ है या चैतन्य है? लेकिन ब्यावा बेहद की बात करते हैं, बेहद में भी ज्ञान गंगाएं हैं या नहीं? तो उन ज्ञान गंगाओं में जाकर के तुम डूब मरो। क्या डूबना होता है ना? पार्वती को कहते हैं पार लगाने वाली। अगर पार्वती पार लगाने वाली है तो कोई ऐसी भी सुपनखाएं पूतनाएं होंगी जो डुबाई देती होंगी? तो कहा चाहे तुम गंगा में जाकर के डूब मरो, सारी जिंदगी उस गंगा में ही पड़े रहो, तो भी तुम्हारा एक भी पाप नहीं कटेगा। अरे कटेगा कैसे? एक का काटने का थोड़े ही है, सबका पाप काटना है या एक का कटना है? सबका पाप काटना है। वो जल गंगा तो भारत में ही बहती है और चैतन्य गंगाएं भी भारत में ही बहती है। अब सिर्फ भारतवासियों के पाप काटेगी या सारी दुनिया 500-700 करोड़ का पाप काटेगी? सारी दुनिया उठ बोएगी, ऐसे हो सकता है? तो सबका सदगति दाता राम गाया हुआ है। क्या राम नाम क्यों दिया है? जिसमें 500-700 करोड़ रमण करते हैं याद में, गंगा में 500-700 करोड़ रमण नहीं कर पाएंगे, गंगा की याद में रमण नहीं करेंगे, किसकी याद में रमण करेंगे? एक राम की याद में रमण करेंगे। तो वो राम बोलते हैं सिर्फ माम एकम याद करो। क्या ऐसे नहीं बोलते मुझे एक बिंदी को याद करो? है माम एकम का क्या मतलब हुआ? है मुझे एक जीते जागते स्वरूप को याद करो या बिंदी को याद करो? जीते जागते शरीरधारी मुझे एक को याद करो। दूसरा कोई को भी नहीं, रहो भी गृहस्थ व्यवहार में, कम कार्डे। क्या ये नहीं कहा सन्यासी होकर के जंगल में चले जाओ,
जंगल में चले जाएंगे तो सारी कर्म इंद्रियों से कर्म कर पाएंगे? नहीं, रहो भले घर गृहस्थ व्यवहार में, कर्म इंद्रियों से कम कार्य, कर्म इंद्रियों से कर्म करो, पर दिल में उस मासूक को याद करो। अभी संगम युग में ऐसे आशिक और मासूक भी नंबरवार होते हैं। क्या मां में कम याद करने वाले एक जैसे होंगे? जो बिल्कुल अच्छे आशुक मासुक होते हैं उनका दुनिया में बहुत नाम बाला हो जाता है। लैला मजनू शीरी फरहाद नाम बाला होता है ना। तो तुम भी आशिक हो उस मासूक के साथ इतना प्यार हो जो तुम फिर ये बन जाओ। क्या बन जाओ? लक्ष्मी नारायण बन जाओ तो तुम्हारा नाम भी बने। लक्ष्मी नारायण का कितना नाम होता है, कितने बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाते हैं, कितनी कथाएं होती हैं घर घर में। नाम वाला तो हुआ ना। तो ये आशिक बन करके उस एक माशूक को याद करना, मां में कम याद करना, ये बहुत मेहनत का काम है। क्या बहुत मेहनत का काम है? माने प्रैक्टिस करेंगे या बिना प्रैक्टिस के हो जाएगा? है मेहनत ज्यादा करनी पड़े या कम मेहनत करनी पड़े? बहुत मेहनत करनी पड़े। और तो कोई तुमको तकलीफ नहीं देता, मेहनत का भी काम है, फिर कोई तकलीफ भी नहीं देते हैं। बाप आकर कहते हैं हे आत्माओं, इसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। क्या कहा? इसको ये जिस्मानी ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान है? रूहानी ज्ञान है, रूह का ज्ञान। ओम शांति।